डोनेट करने के लिए, और उनका बेस्ट मैच निकला तो जो बेस्ट मैच होता उसी का परिवार में से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। रोहिणी दी क्योंकि वहीं रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर तेजस्वी यादव ने आज पटना एयरपोर्ट पर खुलासा किया। तेजस्वी ने बताया कि क्यों उनकी बहन अपने पिता को किडनी दे रही है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने के बाद वो इलाज के लिए सिंगापुर गए थे, जहाँ डॉक्टरों ने सलाह दी कि RJD सुप्रीमो को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। इसके लिए परिवार के कई सदस्यों की जो किडनी है वो मैच किया गया और सबसे परफेक्ट जो मैच है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का हुआ। उसके बाद परिवार के अन्य लोगों की भी किडनी मैच कर रही थी। तेजस्वी यादव का कहना था कि किडनी परिवार के लोगों का ही ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे में रोहिणी सिंगापुर में ही रहती हैं, पिता के करीब रहती हैं। जब पिता वहाँ इलाज कराने पहुँचे थे तो बड़ी बेटी मीसा भारती का भी किडनी जाँच हुआ था, उनका भी मैच कर रहा था, लेकिन जो परफेक्ट मैच का है वो रोहिणी का हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी किडनी अपने पिता को दान करेंगी। और जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाले जो अन्य लोग थे उनकी किडनी क्यों नहीं ली गई, इस पर तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी खुद जिद कर रही थी कि वो अपना किडनी पिता को देंगी, और यही वजह है कि लालू जी को रोहिणी जो उनकी बड़ी बहन है दीदी की किडनी जो है वो डोनेट करने की बात हुई और उस पर सहमति बनी है। और जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे इलाज कराने के लिए, वहाँ पे ऑपरेशन करके उनकी किडनी बदली जाएगी तो रोहिणी की किडनी लालू प्रसाद यादव को लगेगी। जाहिर सी बात है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में पटना जब पहुँचे थे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, फिर दिल्ली गए, रांची में जितने सालों तक रहे जेल के अंदर वहाँ भी उनका इलाज होता रहा। पिछले कई सालों से लालू प्रसाद यादव इलाज पर ही हैं और अब सिंगापुर जाकर जो इलाज लालू प्रसाद यादव ने कराया, जो चेकअप कराया, उसके बाद एक उम्मीद जो जगी है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव की किडनी अगर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ परिवार के जो लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जल्द ही लालू प्रसाद यादव अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव अपना जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली से जब वो लौटे तो उन्होंने बताया कि परिवार ने आखिर क्यों फैसला लिया कि उनकी बड़ी बहन का ही किडनी लालू प्रसाद यादव को दिया जाएगा। इसके पीछे का जो कारण है वो तेजस्वी यादव ने बताया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि दीदी जिस तरीके से जिद कर रही थी और जो किडनी का परफेक्ट मैच है वो भी एक साथ टैली कर गया, और यही वजह है कि रोहिणी दीदी ने यह फैसला लिया जिसमें पूरे परिवार की सहमति। सुनिए पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर। कि परिवार में से हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो जो बेस्ट मैच था तो जो हमारी बहन है रोहिणी जी, उन्होंने टेस्ट कराया था और मैच हुआ है। हालांकि हमारे परिवार में और भी लोग जो हैं वो देना चाहते थे, लेकिन जो और भी बहनें हों, लेकिन रोहिणी दी क्योंकि वहीं रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी डोनेट करने के लिए, और उनका बेस्ट मैच निकला तो जो बेस्ट मैच होता उसी का।